ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में कई स्कैम्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अभी टॉप पर दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, वेस्ट बंगाल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम और आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम ने जगह बरकरार रखी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में सिसोदिया को राहत देने से मना किया था और वहीं टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई और ईडी को फटकारते हुए इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म करने के ऑर्डर्स दिए हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिसेस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं, ने आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम में फंसे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के मामले में अपने फैसले को आज डिस्क्लोज करके लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, फॉर्मर सीएम नायडू पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कीम के नाम पर 371 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है, जिसके रिस्पेक्ट में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ था आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा, और इसी एफआईआर को क्वॉश करवाने की मांग नायडू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से की है, जिसका फैसला आ चुका है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में एक स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है। जी हाँ, आपको बता दी कि ये इस साल का पहला स्प्लिट वर्डिक्ट है। और इस केस के जजमेंट में डिटेल से जाने से पहले एक नज़र इस केस के आर्ग्यूमेंट्स और हियरिंग पर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले की हियरिंग के दौरान एक मेन सवाल नायडू की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट्स हरीश सालवे और सिद्धार्थ लुथरा ने ये उठाया था कि जब इस मामले में एफआईआर 2021 में फाइल हुई है, इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आंध्र प्रदेश सीआईडी को प्रॉपर अप्रूवल लेनी चाहिए थी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अंडर सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। अब आप सोचेंगे कि भला ये सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट क्या है, तो बात ऐसी है कि 2018 में एक अमेंडमेंट के बाद ये मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या एजेंसी को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी जरूरी है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के पहले, जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट पर एलिगेशंस लगाए गए हो। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश स्टेट की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हुए कहा है कि क्योंकि ऑफेंस 2017 में हुआ है अमेंडमेंट के पहले, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के पहले सैंक्शन और परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसी सेक्शन को इंटरप्रेट करने में जस्टिसेस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी ने अपने अलग अलग व्यूज पेश करते हुए एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के पहले फॉर्मर सीएम नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का भी रुख किया था, हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई भी राहत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जजमेंट सुनाते ही शुरुआत में कहा कि दोनों जजेस की इस मामले में राय अलग है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एक प्रायर सैंक्शन लेने की सख्त जरूरत थी, इसके बावजूद कि ये अमेंडमेंट 2018 में आया है, पर जब से ये मौजूद है तब से यूज में आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके तहत कोई भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इलीगल है, ही स्टेटेड। नायडू कुड नॉट हैव बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 13(1)(c), 13(1)(d) एंड 13(2) ऑफ द 1988 एक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ नॉन प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। हालांकि ये कहने के बावजूद भी जस्टिस बोस ने कहा कि स्टेट चाहे तो अभी भी अप्रूवल ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकती है, और ये भी ऐड किया कि ट्रायल कोर्ट को इस मामले में रिमांड ऑर्डर पास करने की जुरिसडिक्शन थी और उसी के साथ इसे क्वॉश करने से भी मना कर दिया, एंड स्टेटेड अ लैक ऑफ अप्रूवल वुड नॉट मेक द एंटायर रिमांड ऑर्डर नॉन एस। यहाँ हमने बात की जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जजमेंट की, और अब एक नज़र जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के जजमेंट पर भी डालते हैं। तो जहां जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा है कि 2018 अमेंडमेंट के बावजूद भी 2017 के ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन पर एक सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन के पहले लेना चाहिए था, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसी बात से इनकार किया है, ये कहते हुए कि ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं यूज हो सकता है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का मानना है कि सेक्शन 17A सब्सटेंटिव इन नेचर है और उसी के तहत सिर्फ न्यू ऑफेंसेस में अप्लाई होगा 2018 के बाद से, एंड स्टेटेड इट कैनॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 17A टू गिव एनी बेनिफिट टू डिसऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। इफ इट इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली इट विल फ्रस्ट्रेट मेनी पेंडिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच के दोनों जजेस ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है, तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूर के पास भेज दिया गया है सोच विचार करने के लिए। जस्टिस बोस स्टेटेड एज वी हैव टेकन डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन एज ऑल्सो एप्लीकेबिलिटी ऑन द अपेलेंट, वी रेफर द मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस। तो जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद चंद्रबाबू नायडू को इस मामले में कोई रिलीफ मिलेगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एक स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाकर लोगों को चौंका दिया है। इस केस की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पिछले साल 17 अक्टूबर को रिजर्व किया था दोनों साइड की ओर से सबमिशन सुनने के बावजूद। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि कैसे सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने मिलकर सेक्शन 17A के तहत ही प्रायर सैंक्शन की बात उठाई थी, जिसे स्टेट की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने डिसमिस कर दिया था।
हालांकि इस केस में पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इंटरिम बेल की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इन सब के बावजूद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को इंटरिम रिलीफ मेडिकल ग्राउंड्स पर दे दी थी, जिसे उन्होंने फिर रेगुलर बेल में ग्रांट कर दिया था, ये ऑब्जर्व करते हुए कि उनके खिलाफ प्राइमा फसाई कोई केस नहीं बनता है। इसी न्यूज के रेस्पेक्ट में द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो हियरिंग नायडू प्ली अगेंस्ट दी हाईकोर्ट डिक्लाइनिंग हिज रिक्वेस्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल इन द फाइबरनेट स्कैम केस। इस केस की हियरिंग इसलिए अर्जन की गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्किल डेवलपमेंट स्कैम में अपना फैसला जल्द सुनाने वाली थी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले में एक नोटिस इशू करते हुए सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो डायरेक्टेड द कंटिन्यूएशन ऑफ अ बेल कंडीशन एंजॉइनिंग द सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट सब जुडिस मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द केस। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेल कंडीशन ग्रांट करने से सीधे मना कर दिया, जो कि नायडू को कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग या रैली को ऑर्गेनाइज करने और पार्टिसिपेट करने से मना कर रही है। दीज कंडीशंस वर इनिशियली इम्पोज बाय द हाई कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर बट लेटर नॉट एक्सटेंडेड व्हेन नायडू वाज ग्रांटेड रेगुलर बेल। हालांकि आपको बता दें कि पिछले मंथ आंध्र प्रदेश सरकार के रिक्वेस्ट पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने एन चंद्रबाबू नायडू को ओरली मना किया था टू नॉट मेक एनी स्टेटमेंट इन द पब्लिक डोमेन अबाउट द पेंडेंसी ऑफ हिज प्ली इन द फाइबरनेट स्कैम केस एज वेल। इस स्किल डेवलपमेंट स्कैम में नायडू को आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा 9 सितंबर को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में ही बंद दिखे थे। सब्सिक्वेंटली अविजयवाड़ा कोर्ट रिमांडेड नायडू टू पुलिस कस्टडी फॉर सितंबर 23 एंड 24। ऑन संडे नायडू जुडिशियल रिमांड वाज एक्सटेंडेड टिल अक्टूबर 5। आपको बता दें कि इस केस में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने अलेज किया है टू हैव प्राइमा फसाई एविडेंस ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की रोल इन द अलेज्ड एम्बेजलमेंट ऑफ अराउंड रुपीज 371 करोड़ फ्रॉम द आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थ्रू फिक्टिशियस कंपनीज ड्यूरिंग द टीडीपीज रूल बिटवीन 2014 एंड 2019। और इस केस में जो एफआईआर 2021 में फाइल हुई है उसमें नायडू का नाम 37 नंबर पर आता है। नायडू ने शुरुआत से ही क्लेम किया है कि इस केस में उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है करंट चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा। नायडू हैज क्लेम दैट द केस इज अ टूल टू एडवांस द रूलिंग वाईएसआर कांग्रेसेस पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट नायडूस तेलुगु देशम पार्टी। अब देखते हैं कि सीजेआई के पास जो ये मामला अब भेजा गया है इसमें उनकी क्या राय रहेगी। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।